interrogations can be revealing. But how revealing? A schoolgirl goes missing and her best friend is called upon for a police interrogation. Presenting to you, Anamika by Sahana Ganesh, a student of level O. Okkarunga, ungakitta Anamika sambandhama sila kelvigal kekkanum. Sir, main Tamil nahi janti. Aap English ya Hindi mein pooch lijiye na. ரமேஷ் தமிழ் தெரியாதா இந்தியா கொஞ்சம் நீ வந்து கேளப்பா. तो ठीक है, अब ये बताओ उस रात हुआ क्या था? उस रात मैं अनामिका के साथ थी. हम स्कूल का होमवर्क कर रहे थे, अचानक उसे एक कॉल आया और वो जल्दी जल्दी घर से निकल गई. इससे पहले कि मैं उसे कुछ पूछूं, वो वहां से गायब हो गई थी. मैंने उसे कॉल किया मगर उसने उठाया ही नहीं. कम से कम 20 बार कॉल किया होगा. तो क्या सिर्फ तुम्ही ने उसे जाते हुए देखा था? हाँ सर, सिर्फ मैंने उसे जाते हुए देखा. अच्छा ये बताओ, क्या उससे किसी कोई से कोई कुछ दुश्मनी या फिर कुछ झगड़ा? दुश्मनी क्या? उसे तो कई लोगों से दुश्मनी थी. स्कूल के लोगों के साथ झगड़ती रहती थी. एक बार मेरी सहेली शीला ने कुछ दोस्तों के सामने उसके बारे में कुछ बोल दिया, बस अनामिका ने तो बदला लेने की ठान ले ली. उसने शीला को एक चिट्ठी भेजा जिसमें उसके बारे में भला बुरा लिखा हुआ था. उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद शीला को बहुत बुरा लगा और उसने उस चिट्ठी को सीधे प्रिंसिपल साहब को दिया. प्रिंसिपल साहब ने भी चिट्ठी को पढ़कर अनामिका के पेरेंट्स को नोटिस भेजा. इसकी वजह से अनामिका बहुत गुस्सा हो गई और उसने शीला के बैग में बहुत सारे कीड़े डाल दिए जो उसके हाथ पर चढ़कर उसे काटने लगे. सर, स्कूल में हर किसी के साथ उसे कुछ ना कुछ लफड़ा था. अगर वो सबके साथ झगड़ती थी और ऐसे वार्तालाप करती थी तो तुमने उसके साथ दोस्ती क्यों की फिर? सर, मैं तो शहर में नई हूँ. अभी अभी कुछ एक दो महीने पहले दिल्ली से चेन्नई शिफ्ट हुई हूँ. जब मैं यहाँ आई तब मेरा कोई दोस्त नहीं था. तभी मैं और अनामिका मिले और कुछ ही समय में हम अच्छी तरह से घुल मिल गए. पता नहीं क्यों उसके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता था. क्या तुम ऐसी कुछ बातें जानती हो, कोई रहस्य वगैरह जो किसी को नहीं पता होगा? रहस्य? हाँ सर, एक बात है जिसे उसने किसी को नहीं बताया. एक साल पहले उसके घर में कुछ पैसों का प्रॉब्लम हो गया था. उसके डैड जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी ने अचानक उन्हें काम से निकाल दिया. अंकल को दूसरा जॉब भी नहीं मिला और घर का हालात बहुत बुरा हो गया. अनामिका परेशान हो गई और वो घर से जॉब के तलाश पर त्रिची गई. मगर त्रिची में कुछ हादसा हुआ जिसकी वजह से वो वापस चेन्नई आ गई. मगर वहां क्या हुआ था ये उसने मुझे कभी नहीं बताया. सर, मैं जरा पानी पीऊं? पी लो. अच्छा ठीक है, अब तुम अपने बारे में कुछ बताओ. मेरे बारे में? सर, मेरा नाम राशि है और मैं 16 साल की हूँ. अभी कुछ एक दो महीने पहले दिल्ली से चेन्नई शिफ्ट हुई हूँ और मैं मायलापुर में अपनी दादी के साथ रहती हूँ. दादी के साथ? तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ, वो कहाँ है फिर? सर, मेरे पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे. कैसे? सर, दिल्ली में वे अपने कार में मंदिर जा रहे थे, अचानक पीछे से एक टैक्सी आई और उनकी कार से टकराई. किसी ने भी उनकी मदद भी नहीं किया. I'm sorry.
अब तुम जा सकते हो। अगर कुछ पूछताछ जरूरी है तो मैं फिर से बुलाऊंगा तुम्हें। मैं जाऊं। थैंक यू सर। और अगर आपको अनामिका के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बता दीजिए। जरूर। Hi, Sheila. Yes, I just got out of the police station. No, don't worry. I didn't leak out anything. Anyways, I've told you where I kept Anamika, right? Yeah, I sent you the address. Go there and torture her as much as you like. I'll join you soon. Yeah, see you. Bye. Message? ओफो, ये पुलिस लोगों का और कोई काम ही नहीं है क्या? क्या हुआ साहब, फिर से क्यों बुलाया? बैठो। तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। मैं कुछ छुपा रही हूँ? मतलब आप मुझ पर शक कर रहे हैं? सर, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आप मुझ पर शक? मैं यहाँ से जा रही हूँ। रुको। तुम अच्छे से जानते हो कि अनामिका कहाँ है। अगर मैं जानती तो आपसे क्यों नाटक बंद करो। सब हम पता है, सब कुछ पता है। अब तुम बताओ या फिर हम सुनाएं अभी। मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ। बताओ तुम, हम सब जानते हैं। अब कुछ देर पहले तुमने कुछ बातें की थी, हम उसे रिकॉर्डिंग भी किए हैं। अब तुम खुद बताओगे या फिर हम बताएं? बताओ। நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் ஹிந்திக்காரிலாம் இல்ல, தமிழ்தான். திருச்சியில இருந்தேன், அனாமிகா மேல ரிவெஞ்ச் எடுக்க தான் சென்னை வந்தேன். ஏன்னு கேக்குறீங்களா? என் அம்மா அப்பா செத்த நாள் அவ அந்த டாக்ஸில தான் இருந்தா. அவ நினைச்சிருந்தா என் அம்மா அப்பா அவ காப்பாத்திருக்கலாம், ஆனா அவ செய்யல. ஆக்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் அந்த டாக்ஸி அவ போய் பார்த்தா என் அம்மா அப்பா தான் அவ டாடோட கம்பெனி ஓனர்ஸ். அவங்க தான் அவரை ஃபயர் பண்ணிருந்தாங்க. டாக்ஸி அவங்க ஃபேஸ் பார்த்த உடனே அவ அவங்கள அப்படியே காப்பாத்தாம விட்டுட்டா. அவங்கள சாவடிச்சிட்டா சார். அதுக்கப்புறம் அந்த டாக்ஸி கம்பெனி வந்து அவளுக்கு நிறைய பணம் கொடுத்தாங்க. கோர்ட்ல தப்பான சாட்சி சொல்ல அவளும் சொன்னா எல்லா பழையும் ஏன் அம்மா அப்பா மேல போட்டா. நாங்க ஃபைன் கட்டினோம். இப்ப என்கிட்ட அம்மா இல்ல, அப்பா இல்ல, காசு இல்ல, எதுவுமே இல்ல. ஆனா அவ சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கா. எனக்கு அது பொறுக்கல. அவளை எதுவும் வழி மட்டும்தான் இது சரின்னு பட்டுச்சு. அதான் செஞ்சேன். ரமேஷே, இவ்வளவு அப்படி ஓரமா உட்காருவையே, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல எஸ்ஐ வந்துருவாரு. வாமா, இப்படி வந்து உட்காரு.